नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सियासत में त्याग की कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं और जब बात राजनीति में त्याग की हो तो सोनिया गांधी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। उस वक्त सोनिया गांधी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है। आज वही सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस के लिए एक दीवार साबित हो रही है, जिनके सहारे कांग्रेस फिर से पूरे देश में छा जाने की तैयारी में है। इसीलिए हम सोनिया गांधी को कह रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ कांग्रेस। सोनिया गांधी देश के सबसे पुराने सियासी दल की अध्यक्ष से इतर साहस, समर्पण, सत्यनिष्ठता और संवेदनशीलता की एक जीती जागती मिसाल है। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और अत्याचारों से सोनिया गांधी बेहद आहत है और यही कारण है कि सोनिया गांधी ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मना रही। 9 दिसंबर की तारीख उनके लिए आम तारीख रहने वाली है। देश में महिलाओं के खिलाफ पिछले दिनों में सामने आए अपराध की घटनाओं के कारण उन्होंने ये फैसला किया है। ये फैसला जाहिर करता है कि सोनिया देश की सोच और महिलाओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक के बाद एक महिलाओं से रेप और उनकी हत्याओं की घटनाएं सामने आई है। हैदराबाद, रांची, मालदा के बाद उन्नाव में रेप पीड़िता को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। इन घटनाओं के बाद देश में इन घटनाओं के दोषियों को जल्द से जल्द दंड दिए जाने की मांग उठ रही है। वहीं उनके जन्मदिन से एक दिन पहले 8 दिसंबर को एक और बड़ी घटना से दिल्ली स्तब्ध हो गई। दिल्ली की रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में मौजूद 3 मंजिला इमारत में रविवार सुबह आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में रविवार को लगी आग की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों से पीड़ितों और मृतकों के परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने की अपील की। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया गांधी ने भयावह घटना में मारे गए लोगों के परिवार और उनके प्रियजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकतम लोगों के जीवन को बचाए जाने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद जाहिर की। सोनिया गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों से पीड़ितों और मृतकों के परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने की अपील भी की। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी हर संभव तरीके से अधिकारियों की मदद करने को कहा। इन दोनों घटनाओं से आहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जन्मदिन न मनाने का फैसला बेहद सहज, जिम्मेदाराना और संवेदनशील है और ये जाहिर करता है कि देश और आम लोगों के बारे में कितनी गंभीरता से सोचती हैं और उनकी भावनाओं के साथ चलती हैं। इस साल हुए आम चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान छोड़ दी थी। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद काफी मनाने के बावजूद भी राहुल ने दोबारा से इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि इस पद को फिलहाल गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्रहण ना करे, लेकिन लंबे समय तक चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा बनी और सोनिया के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस वापसी करती दिख रही है। सोनिया गांधी एक ऐसा नाम जिसने कांग्रेस को एक नई पहचान दी, हाथ के गिरते ग्राफ को थामा। जब जब देश की सबसे बड़ी सियासी दल पर खतरे के बादल मंडराए, सोनिया गांधी ने कमान संभाली और जब जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, कांग्रेस ने सियासत में नए आयाम स्थापित किए, सियासी मिथकों को धत्ता साबित किया और जब आज बात कांग्रेस मुक्त भारत की हो रही है, कांग्रेस सोनिया गांधी के करिश्माई नेतृत्व में हर वार का जबरदस्त पलटवार कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाए जाने के जवाब में अब कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी मुक्त भारत अभियान चलाएगी। महाराष्ट्र की तरह अन्य राज्यों में कांग्रेस ऐसे ही समीकरण फिट करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उसकी प्रदेश इकाइयां नए तेवर में हैं और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। जहां रणनीति में धार के साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते कामयाबी हासिल करने की तैयारी है। कांग्रेस के मुताबिक पिछले कुछ समय से बीजेपी ने दूसरे राजनीतिक दलों यहां तक कि अपने ही सहयोगियों को निशाने पर लिया है। इससे देश में व्यवहारिक तरह से नए समूह बन रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐसा ही एक व्यवहारिक गठबंधन बता रही है। शायद इसी रणनीति का ये नतीजा है कि सीएम अशोक गहलोत खुलकर कह रहे हैं अब पीएम मोदी और अमित शाह नहीं कहेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बात। मेरा मानना कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करने वाले अब ये चुनाव है हरियाणा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम आए हैं उसके बाद में अब कभी जिंदगी में नाम नहीं लेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें। आप देखना कभी नाम लेते कोई नाम मिलेगा और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे आशीर्वाद कर रहे हैं। बिल्कुल हो जाएंगे। आज का माहौल 40 साल पहले भी था जब मैं एमपी बना उसके बाद एमएलए का इलेक्शन लड़ा मैं हार गया चुनाव तो नई बात थी हमारे लिए यही माहौल था कांग्रेस साफ हो गई थी पूरे उत्तर भारत के अंदर और लोगों ने कहा गया हुआ राज वापस कभी नहीं आता। राज वापस भी आ गए राज बदल से भी गए कई प्रधानमंत्री बन गए सब देखा दिया। राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद एक बार फिर से सोनिया के नेतृत्व में जोश से भरी कांग्रेस का मानना है कि देश के लिए बीजेपी की सरकार मुफीद नहीं है, इसलिए जरूरत है सभी दल मिलकर मोदी सरकार को रोकें। कांग्रेस सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को ये जता रही है कि देश की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। अब एक बार फिर से बिना किसी बीजेपी शासित राज्य में गए कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर तय कर सकते हैं क्योंकि देश के नक्शे में कभी छा गई बीजेपी आज सिकुड़ सी गई है। बता दें 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाते रहे हैं। कई राज्यों से बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य दलों को सत्ता से बाहर कर दिया। पूर्वोत्तर में जहां बीजेपी कभी एक सीट भी जीतने की सोच नहीं सकती थी वहां कई राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है। हालांकि पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार से बीजेपी के इस अभियान को बड़ा धक्का लगा था। अब बीजेपी के हाथ महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य भी खिसक चुका है, लिहाजा कांग्रेस का हौसला बढ़ना लाजमी है और इसमें सोनिया के कुशल नेतृत्व ने बड़ा रोल निभाया है। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है बीजेपी पर चोट करने के लिए। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने जा रहा प्रदर्शन लगातार नक्शे पर सिमटती जा रही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 14 दिसंबर को दिल्ली से होगा शंखनाद। मोदी सरकार के खिलाफ होगा हल्ला बोल। सोनिया का वार, विरोधियों में हाहाकार। देश में सिमटती बीजेपी पर होगा बड़ा प्रहार। चौदह दिसंबर को दिल्ली गवाह बनेगी कांग्रेस के उदय की। जी हां, उदय, वो उदय जो एक बार फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने जा रहा है।
लगातार चुनावों में हार रही कांग्रेस को जब सोनिया गांधी का नेतृत्व मिला तो मानो पूरे देश के कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आया। यही कारण है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर अन्य कोई राज्य, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हर जगह कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ी। अर्थव्यवस्था हो या बेरोजगारी या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सोनिया गांधी की ही दूरदर्शिता है कि उन्होंने अपने नेताओं को जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को लेकर प्रमुखता से उठाने की जिम्मेदारी दी। तो इस जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस नेता बखूबी निभा रहे हैं। सोनिया गांधी के आह्वान पर हो रही भारत बचाओ रैली के लिए राजस्थान को अहम जिम्मेदारी मिली है और इसी जिम्मेदारी को पूरे तन मन से निभाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो लगातार बैठकों में जुटे हैं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत खुद विधायकों को फोन कर रहे हैं और दिए गए टास्क का फीडबैक भी ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच सके। जयपुर में बीते दिनों जब कांग्रेस ने पैदल मार्च किया उस समय उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर खुद सीएम अशोक गहलोत भी उत्साहित नजर आए और कार्यकर्ताओं से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। अब कल्पना करो जनता का मूड कब बदलता है, मालूम नहीं पड़ता है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। घबराने की जरूरत नहीं है, ये मोदी मोदी करने वाले भाग छूटेंगे, दिखेंगे नहीं कौन मोदी मोदी बोल रहा है। ये नहीं दिखने वाले आपको, आप ही दिखोगे सब पहले, क्योंकि सच्चाई आपके पक्ष में है। चुनावों में हार के बाद राज्यों को खोती जा रही बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन गर्म लोहे पर चोट के समान होगा। जिस तरह राजस्थान समेत अन्य राज्यों में उत्साह देखा जा रहा है उससे माना जा रहा है कि दिल्ली में राजस्थान से बड़ी संख्या में भीड़ जमा होगी और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सोनिया गांधी द ग्रेट वॉल ऑफ कांग्रेस। सोनिया गांधी अपने जीवन के 73 साल पूरे कर चुकी है। जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी सोनिया गांधी का जीवन किसी बड़े संघर्ष की कहानी से कम नहीं है। सोनिया गांधी को जहां इंडिया के सबसे बड़े सियासी परिवार की बहू बनने और कमान संभालने का सम्मान प्राप्त हुआ, वहीं अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की कुर्बानी का गम भी सोनिया गांधी को झेलना पड़ा, जो किसी भी महिला के जीवन का सबसे बड़ा गम होता है। बावजूद इसके सोनिया गांधी ने दुख की इस घड़ी में हिम्मत हारने के बजाय खुद को संभाला और पूरे परिवार का जिम्मा उठाते हुए देश की राजनीति में खुद को साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में 10 बड़े फैक्ट के जरिए आप समझिए सोनिया गांधी के जीवन की इस कहानी को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बहू और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। भारतीय राजनीति में खुद को स्थापित और साबित करने वाली सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के विसेंजा से कुछ दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ। भले ही कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक आपदा के शिकार हुई हो, बावजूद इसके सोनिया गांधी आज भी दिन रात फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए उम्र के इस पड़ाव पर भी समर्पित हैं। विदेशी होने का ठप्पा भी लगातार सोनिया गांधी पर लगता रहा, लेकिन सियासत के ये वार सोनिया के मजबूत इरादों को कमजोर नहीं कर पाए। राजीव गांधी की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लालन पालन करना और कांग्रेस की सियासत को संभालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं कहा जा सकता था। पर सोनिया गांधी का जन्म हर वक्त संघर्ष कर आदर्श स्थापित करने के लिए हुआ होगा, जो आज भी लगातार संघर्ष करती नजर आती हैं। आइए आपको 10 बड़ी बातों के जरिए बताते हैं आखिर कौन है सोनिया गांधी और कैसा रहा उनका संघर्षपूर्ण जीवन। सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो था। इटली के विसेंजा से कुछ दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 को जन्म लेने वाली सोनिया के पिता स्टेफिनो माइनो एक भूतपूर्व सिपाही थे। सोनिया का बचपन इटली से कुछ दूर स्थित ओरबसानो में गुजरा।
1964 में सोनिया गांधी इटली से इंग्लैंड चली गई, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की। यही वो वक्त था जब सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई। राजीव उस वक्त ट्रिनिटी विद्यालय कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। राजीव गांधी ने सोनिया को पहली बार एक स्थानीय ग्रीक रेस्टोरेंट में देखा और प्यार की शुरुआत हुई। इस मुलाकात ने ही सोनिया की जिंदगी बदल दी और दो खूबसूरत आत्माओं ने दो अलग अलग देशों के होने के बावजूद एक होने का फैसला किया। इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद इंडिया के सबसे बड़े सियासी परिवार में शादी होने का गौरव सोनिया गांधी को मिला। इतना ही नहीं, नेहरू गांधी की विरासत वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की कमान सबसे लंबे वक्त तक संभालने का सौभाग्य भी सोनिया गांधी को नसीब हुआ। खुद को सोनिया ने विदेशी होने के बावजूद जिस तरह से राजनीति में साबित किया, ये उसी का नतीजा था कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल हुई। सोनिया गांधी के पिता स्टीफनो माइनो को सोनिया और राजीव का ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि सोनिया की राजीव गांधी से शादी हो, क्योंकि वो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। लेकिन इन सब के बावजूद राजीव गांधी के प्यार का भरोसा इतना था कि 1968 में दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद सोनिया गांधी भारत आ गई और 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली। सोनिया गांधी को जहां इंडिया के सबसे बड़े सियासी परिवार की बहू बनने और कमान संभालने का सम्मान प्राप्त है, वहीं अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की कुर्बानी का गम भी सोनिया गांधी को झेलना पड़ा, जो किसी भी महिला के जीवन का सबसे बड़ा गम होता है। बावजूद इसके सोनिया गांधी ने दुख की इस घड़ी में हिम्मत हारने के बजाय खुद को संभाला और पूरे परिवार का पूरा जिम्मा उठाया। सोनिया गांधी राजनीति में आने की कतई इच्छुक नहीं थी, लेकिन आत्मघाती धमाके में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। सोनिया ने इसे नकार दिया। पति की हत्या का घाव इतना गहरा लगा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। सोनिया गांधी ने पहली बार 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने खुद अपनी राजनीतिक सफर की कहानी साझा की थी। उन्होंने बताया था, मैं नहीं चाहती थी कि राजीव राजनीति में आए, लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आना पड़ा। इसी तरह मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे भी मजबूरी में आना पड़ा। जब मैं राजनीति में आई तब कांग्रेस मुश्किल में थी, अगर मैं राजनीति में नहीं आती तो लोग मुझे कायर कहते। पहली बार सोनिया गांधी 1999 में यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी। लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। वो सोनिया गांधी ही थी जिनकी अगुवाई में 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एनडीए को करारी शिकस्त दी, खुद भी चुनाव जीती। 23 मार्च 2006 को सांसद पद से इस्तीफा देकर उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जीता। 2009 और 2014 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती। बड़ी बात यह रही कि 2004 में सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। इसके बाद 2009 में भी ये सिलसिला कायम रखा। यही वो एक और बड़ा कारण रहा कि कांग्रेसियों के मन में सोनिया गांधी का कद और सम्मान लगातार बढ़ता गया। इस पर जब सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी, तो उनका जवाब था कि उन्हें मनमोहन सिंह पर खुद से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होने का भरोसा था। हिंदी भाषा के मामले में सोनिया गांधी बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी। वो खुद को इस भाषा में असहज महसूस करती थीं, लेकिन उनकी सास इंदिरा गांधी उनसे हिंदी में ही बात करने को कहती थी, जिसके बाद विदेशी होने के बावजूद वो धीरे धीरे हिंदी बोलने लगी। बहरहाल सोनिया गांधी से जुड़े ये पहलू साफ करते हैं कि सोनिया का जीवन किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं। आज जब फिर से पार्टी को सोनिया गांधी की जरूरत पड़ी, तो कांग्रेस अध्यक्षा का पद छोड़ने के बावजूद फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली है। हालांकि सोनिया गांधी पर कई बार विदेशी मूल का होने, हिंदी नहीं जानने, परिवारवाद जैसे कई आरोप लगाते रहे, बावजूद इसके सोनिया गांधी ने असमय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो देने के बाद भी अपने हौसलों की उड़ान से डटकर विरोधियों का मुकाबला किया और कांग्रेस को हर संकट की घड़ी में फिर से खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और जब जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस डगमगाई, लड़खड़ाई, तब तब सोनिया गांधी पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आई और कांग्रेस को मजबूत किया। और इसीलिए हम भी कह रहे हैं, सोनिया गांधी द ग्रेट वॉल ऑफ कांग्रेस। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। खबरें लगातार जा रही हैं, बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।